नमस्कार दोस्तों, नीट टू नो पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दो ऐसे अभियान जिसने पूरी मानव जाति को हमेशा के लिए अमर कर दिया। 1977 का वो साल जिसे आने वाले समय में पूरा ब्रह्मांड याद रखेगा। इंसान की उत्पत्ति आज से लगभग 3 लाख साल पहले हुई थी और तभी से इंसान किसी न किसी खोज में लगा हुआ है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि खोज मानव जाति की फितरत रही है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। आज इंसान उस चीज की खोज में लगा हुआ है जिसकी ना तो कोई सीमा है और ना ही कोई अंत। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही अंतरिक्ष अभियान के बारे में बताने वाले हैं जिसने हमारे वैज्ञानिकों के किए गए कई शोधों को गलत साबित किया। साथ ही साथ अंतरिक्ष से जुड़े कई ऐसे राज भी खोले जिसके पीछे पूरी दुनिया के वैज्ञानिक कई सालों से लगे हुए थे। आज ये अंतरिक्ष अभियान इतना आगे जा चुका है कि इस अभियान के एक संदेश को धरती तक पहुंचने के लिए ही 30 घंटों का समय लग जाता है। ये मानव सभ्यता की खोजी फितरत ही है जिसने जन्म दिया इतिहास के अब तक के सबसे महानतम अंतरिक्ष अभियान को। तो चलिए आज चलते हैं एक बेहद ही दिलचस्प और ऐतिहासिक अंतरिक्ष अभियान की यात्रा पर, जहां जानेंगे इस अभियान की पूरी कहानी। इस ऐतिहासिक अभियान की शुरुआत हुई थी आज से 41 साल पहले। साल 1977 के अगस्त और सितंबर के महीने में नासा ने दो अंतरिक्ष यान वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को धरती से अंतरिक्ष की लंबी यात्रा के लिए रवाना किया था। वॉयेजर 2 को 20 अगस्त के दिन अमेरिका से छोड़ा गया था, तो वही वॉयेजर 1 को 5 सितंबर के दिन धरती से रवाना किया गया था। इन यानों का मुख्य उद्देश्य बृहस्पति, शनि, वरुण और अरुण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को जुटाना था, लेकिन खोजबीन के साथ इनके ऊपर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जा रही थी। जिम्मेदारी थी मानव सभ्यता को अमर करना। इन यानों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज भी भेजी जा रही थी जो मानव जाति के लिहाज से बहुत जरूरी थी। इन यानों में एक गोल्डन रिकॉर्ड को भी जोड़ा गया था। गोल्डन रिकॉर्ड एक गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क होती है जो एक फोनोग्राफ रिकॉर्ड की तरह काम करती है। इस डिस्क के अंदर मानव इतिहास के 1977 तक के सफर और हमारी कला और संस्कृति से जुड़ी सभी जानकारियों को डाला गया था। 1977 में छोड़ा गया वॉयेजर 1 हमारे सौरमंडल को छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुका है। इस समय वॉयेजर 1 हमारी पृथ्वी से करीब 21 अरब किलोमीटर की दूरी पर है। ये दूरी इतनी है कि वॉयेजर 1 से धरती की तरफ आने और जाने वाले संदेशों को 36 घंटों का समय लग जाता है, और ये समय तब है जब संदेशों की रफ्तार 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक की दूरी को तय कर लेती है। दूसरी तरफ वॉयेजर 2 हमारी धरती से 17 अरब किलोमीटर की दूरी पर है, और ये यान भी 5 नवंबर 2018 को इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुका है। दरअसल सूर्य की सीमा से बाहर वाले स्पेस को इंटरस्टेलर स्पेस के नाम से जाना जाता है। सूर्य से बाहर की तरफ बहने वाली हवाओं की वजह से सौरमंडल के चारों तरफ बुलबुले जैसा घेरा बन जाता है। इस घेरे को हेलियोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। सूर्य की सीमा से बाहर वाले स्पेस को ही इंटरस्टेलर स्पेस कहा जाता है, और ये सीमा हमारे सौरमंडल का अंतिम छोर भी है। इन अभियान के शुरू होने के 18 महीने बाद ही दोनों यानों ने कई अनसुलझे रहस्यों को सुलझाना शुरू कर दिया था। इन अभियानों से पहले माना जाता था कि ज्वालामुखी सिर्फ धरती पर ही मौजूद हैं, लेकिन वॉयेजर यानों के बृहस्पति ग्रह के नजदीक पहुंचने पर यह पता चला कि बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा पर भी ज्वालामुखी मौजूद हैं। इस बात से यह साबित होता था कि ज्वालामुखी धरती से भी बाहर मौजूद हैं। इस अभियान ने वैज्ञानिकों के कई शोधों को भी गलत साबित किया। अभियान के पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि सागर सिर्फ हमारी धरती पर ही मौजूद हैं, लेकिन इस अभियान ने हमें बताया कि बृहस्पति का चंद्रमा यूरेपा पर भी मोटे बर्फ की परत के नीचे समुद्र मौजूद है, और ये पानी धरती पर मौजूद सभी पानियों से कई गुना ज्यादा है। वैज्ञानिकों के सभी शोधों में सबसे बड़ा मकसद धरती के बाहर जीवन को तलाशना था। इन अभियानों के बाद हमें ये पता चला कि अगर सबसे ज्यादा जीवन की संभावनाएं किसी जगह मौजूद है तो वो है शनि के चंद्रमा एनसेलेडस पर। इन अभियानों ने हमारे वैज्ञानिकों के अंदर एक नई ऊर्जा को उत्पन्न किया और उन्हें बताया कि शनि के चंद्रमा पर जीवन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, जिसके लिए और अभियानों को भेजना जरूरी है। साल 1980 में वॉयेजर 1 ने शनि ग्रह से आगे का सफर शुरू कर दिया, और इसके करीब 9 महीने बाद वॉयेजर 2 ने भी सौरमंडल के दूर के ग्रहों की पड़ताल शुरू कर दी। 1986 में अरुण और फिर 1989 में वरुण ग्रह के करीब पहुंचकर वॉयेजर 2 से पहली बार हमें ये पता चला कि वरुण ग्रह के चंद्रमा ट्राइटन पर नाइट्रोजन के गीजर मौजूद हैं।
इन दोनों यानों ने हमारे सौरमंडल और ग्रहों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियों से हमारे वैज्ञानिकों को अवगत कराया और सौरमंडल और ग्रहों को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। वॉयेजर यानों द्वारा किए गए खोजों के बाद ही कई और महत्वपूर्ण अभियानों को शुरू किया गया, जैसे शनि ग्रह के लिए कैसिनी-ह्यूजेंस अभियान को भेजा गया, तो वहीं बृहस्पति ग्रह के लिए गैलीलियो और जूनो जैसे अभियान को शुरू किया गया। इन दोनों ग्रहों पर ही इतने बड़े अभियान को भेजने का सबसे बड़ा कारण था इनके चंद्रमा और उन पर मौजूद जीवन की संभावनाएं, क्योंकि सौरमंडल में बनने वाले ग्रहों में ये दोनों ग्रह ही सबसे पहले ग्रह थे। तो ब्रह्मांड के बनने की शुरुआत कैसे हुई, इससे जुड़ी अहम जानकारियां भी इन अभियानों की मदद से जुटाई जा सकती है। वॉयेजर यानों में मॉलिक्यूलर बैटरीज का इस्तेमाल किया गया है, जिनकी मदद से बिजली को उत्पन्न किया जाता है और इन बिजली की मदद से ही इन यानों को चलने में मदद मिलती है। लेकिन जल्द ही इन बैटरीज से बिजली बनना भी बंद हो जाएगी और इसका सबसे बड़ा कारण है इन यानों के इतने लंबे समय तक काम करना। हर साल इन बैटरी से 4 वॉट बिजली कम उत्पन्न हो रही है, जो धीरे धीरे साल दर साल और कम होती जा रही है। इसी की वजह से इन दोनों यानों के अभियानों को बेहद ही ध्यान और सावधानी से चलाया जा रहा है। धीरे धीरे इन पर लगे पुराने यंत्रों को भी बंद किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोनों यानों पर लगे कैमरों को बंद भी किया जा चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ब्रह्मांड के अंदर अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं है। इन यानों में बनने वाली बिजली को बचाकर ही इतने ठंडे अंतरिक्ष में इन यानों को बचाया जा सकता है। आज इतने सालों बाद भी ये दोनों यान खुद से ही अपना सफर तय करते हैं, खुद खोजबीन करते हैं और खुद से ही जरूरत पड़ने पर अपने बैकअप सिस्टम को चालू भी करते हैं। वॉयेजर यानों को बनाने में इस्तेमाल की गई तकनीक हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। आज के समय में स्मार्टफोन में तस्वीर को प्रोसेस करने का जो तरीका है वो वॉयेजर यानों को बनाने के दौरान ही विकसित किया गया था। इन यानों के द्वारा किए गए अभी तक के सफर में सबसे महत्वपूर्ण पल साल 1990 में आया था, जब वॉयेजर यानों ने अपने कैमरों को धरती की तरफ घुमाया था। उस समय इतनी दूरी से पूरे सौरमंडल और ब्रह्मांड में धरती सिर्फ एक नीली सी रोशनी नजर आ रही थी और उस समय हम सभी जानते थे कि पूरे ब्रह्मांड में अभी सिर्फ इस टिमटिमाती हुई नीली रोशनी पर ही जीवन मौजूद है। 2013 वो साल था जब वॉयेजर 1 सौरमंडल से बाहर इस शांत ब्रह्मांड में अपनी एकाकी यात्रा पर निकल गया। आज ये दोनों यान गुप्त अंधेरे में अपने एकाकी सफर को अकेले ही तय कर रहे हैं, जहां अंधेरे और सर्द ठंड के सिवा कुछ भी नहीं है। कभी कभी अपने अंतिम समय के दौरान भी ये दोनों यान ही सुंदर ब्रह्मांड की अनदेखी तस्वीरों को भेज देते हैं। आने वाले 10 वर्षों में दोनों ही अंतरिक्ष यानों को बंद कर दिया जाएगा और ये पल मानवता के लिए सबसे दुखद पलों में से एक होगा। हालांकि ये दोनों यान ही उस समय तक अपनी बेहद ही दिलचस्प जिंदगी का सफर तय कर चुके होंगे और आने वाले कई सालों तक दोनों ही यान अंतरिक्ष में हमेशा ही मौजूद रहेंगे। वॉयेजर अभियानों के जरिए हमें सौरमंडल और ग्रहों से जुड़े कई राज का पता चला। गोल्डन रिकॉर्ड्स को उस दौरान यानों पर लगाना तो बस एक आशा थी, आशा ये कि धरती के अलावा भी ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं जीवन जरूर मौजूद है और भविष्य में अगर किसी खगोलीय घटना से धरती पर से जीवन समाप्त हो जाता है और ब्रह्मांड में अपनी यात्रा करते करते जब किसी और सभ्यता को हमारे वॉयेजर यान मिलेंगे तो उन्हें मानव सभ्यता की एक झलक इन गोल्डन रिकॉर्ड्स की वजह से दिख पाएगी और ये रिकॉर्ड्स इन सभ्यताओं को बताएंगे कि दूर कहीं धरती नाम का एक ग्रह था जिस पे मानव जाति कभी रहा करती थी। वॉयेजर यान सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि सुदूर ब्रह्मांड को मानवता का भेजा गया संदेश भी है। वैसे तो अपने लंबे सफर के दौरान वॉयेजर यानों ने कई महान और ना भुला पाने वाले क्षण दिए हैं। अपनी इस लंबी यात्रा में वॉयेजर यानों ने हमारे सौरमंडल और ग्रहों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियों से हमें रूबरू कराया है और वहीं अब सौरमंडल और ग्रहों को देखने का हमारा नजरिया भी हमेशा के लिए बदल गया है। वॉयेजर यान मनुष्य की खोजी प्रवृत्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो आने वाले कई सालों तक मानवता के संदेश को दूर अनंत ब्रह्मांड तक पहुंचाता रहेगा। वॉयेजर अभियानों के जरिए 1977 की दुनिया हमेशा के लिए अमर हो गई। दूसरे शब्दों में कहें तो वॉयेजर अभियानों ने मानव जाति को हमेशा के लिए अमर कर दिया। वॉयेजर यानों के महत्वपूर्ण योगदानों को मानव जाति हमेशा याद रखेगी। भले ही ये यान अब हमसे अरबों किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गए हों, लेकिन हमारे दिलों में ये हमेशा ही बने रहेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। हमारे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगली बार जल्द ही मिलेंगे फिर से एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए।